फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्रॉन करी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले जीरा दे रही हूँ यहाँ पे, और मैं तेल पहले से ही गर्म करके रखी हूँ, ये है मस्टर्ड ऑयल और गोटा गरम मसाला। तो इसको क्रैकल होने तक फ्राई करेंगे। ये हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ, ये लगभग एक गोटा प्याज है। इसको लाल होने तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसको बनाना भी काफी आसान है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। तो ये थोड़ी और होगी ब्राउन, उसके बाद मैं इसे मसाला ऐड करने वाली हूँ। ये लगभग ब्राउन हो ही गया है, और थोड़ी देर इसे ब्राउन करके अब उसके बाद मैं इसे मसाला ऐड करूँगी। तो सबसे पहले ये है अनियन पेस्ट 2 चम्मच, ये है लहसुन पेस्ट ये 1/2 से ज़्यादा, जिंजर पेस्ट 1 चम्मच, इसमें थोड़ी और मैं ऑनियन पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसको फिर से फ्राई करेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर थोड़ी सी, क्योंकि मैं पहले से चिंगड़ी में मैरिनेट करके रखी हूँ। रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर। इसे भी अच्छी तरीके से कुक कर लेना है, जब तक ये ऑयल बाहर ना आ जाए तब तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें प्रॉन ऐड करूंगी। थोड़ी सी सॉल्ट, क्योंकि मैं पहले सॉल्ट दे चुकी हूँ चिंगड़ी में, उसी लिए अब थोड़ी सी सॉल्ट इसमें डाल रही हूँ। मसाला फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें मैरिनेटेड ये प्रॉन में इसमें डाल दे रही हूँ, जिसको मैं पहले से ही नमक हल्दी और चिली पाउडर से इसको मैरिनेट करके रखी हूँ। तो अब मैं ये सारी की सारी डाल देती हूँ। इसको भी थोड़ी देर और भूनेंगे, उसके बाद मैं इसमें टमाटो प्यूरी डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉन बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देती हूँ, ये 2 टोमेटो है बड़ी साइज़ की। अब इसको डालकर ढक के मैं इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक मैं इसे धीमी आंच पकाऊंगी, जिससे कि टोमेटो अच्छी तरीके से पक जाए, और मैं इसे ग्रेवी भी ऐसे ही ठीक रखूँगी। अब इसको मैं धीमी आँच में कम से कम 5 से 7 मिनट तक मैं पकाऊँगी, तब तक ये कुक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई है। अभी मैं इसमें पहले से थोड़ी सी ब्राउन करके अलग से रखी थी प्याज, अब मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद और मैं इसे 2-3 मिनट थोड़ी और पका करके फिर मैं गैस ऑफ कर दूँगी। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, जब हम लास्ट में डालते हैं तो ब्राउन हो गई ऑनियन का बहुत अच्छा फ्लेवर आती है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी अलग से इसे रख देती हूँ। देखते हैं, ये देखिए ये हो गया है,
ये अच्छी तरीके से कुक हो गई है। अब मैं इसे थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली कोरिएंडर से लेके मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। बस ये कंप्लीट है। सो होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।